नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं आज ऐसे बालक की, ऐसे तेजस्वी ओजस्वी और भक्ति में बालक की, जिन्होंने अपनी भक्ति से बहुत ही छोटी सी उम्र में 5-6 साल की उम्र में विश्व भगवान को अपने सामने प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों ये कहानी, ये कथा मिलती है भागवत महापुराण में और बहुत ही अद्भुत कथा है जो आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा सीख देने वाली कथा है। तो जो भी बंधु इस समय इस कथा को सुन रहे हैं, मेरे रूप से पूरा सुनिए और अपने बच्चों को जरूर सुनाए और अपने परिवार और अपने जीवन में इस कथा से आत्मसात करने की, इसकी शिक्षा अपने जीवन में अपनाने की कोशिश आप सभी करें। तो बात करें दोस्तों ध्रुव की। ध्रुव के पिता का नाम था उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। अब नाम से भी एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो सुनीति, जो नीति पर काम करे, जो धर्म पर, सत्य पर, न्याय पर काम करे, जो वेद के अनुसार, शास्त्र अनुसार जीवन जीने, उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि मतलब मन, मन के रुचि के अनुसार जो काम करता है उसे सुरुचि कहते हैं। तो मतलब इस शब्दों से भी आप समझ सकते हैं। तो एक बार बालक ध्रुव बहुत छोटे से बच्चे थे और अपने पिता की गोद में, उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठ गए और इतने में सुनीति सुरुचि उनको देखती है और उनको चिल्ला कर उनके पिता की गोद से हटा देती है कि इस पिताजी की गोद में तो मेरा होने वाला बच्चा ही बैठेगा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं, सुनीति के पास जाते हैं और कहते हैं माँ मुझे पिताजी की गोद से, छोटी माँ ने मुझे हटा दिया। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा टेंशन मत लो, आप ईश्वर की गोद में बैठो, आप परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठो और उनकी गोद में अगर बैठ गए तो किसी भी गोद में बैठने की जरूरत नहीं है और उनकी गोद में जाने वाला सबसे ऊपर सबसे बड़ा हो जाता है। तो उनकी गोद में जो बैठ गया उसको बहुत प्रसन्नता मिलती, जो सबके पिता है उनकी गोद में बैठो, परम पिता की गोद में बैठो। तो वो कहते कैसे बैठना है, वो कहते कुछ नहीं, बस आप जाओ और बस आराधना करनी है और ईश्वर की प्राप्ति होगी, भगवान का गोद आपको प्राप्त होगा। छोटा सा बालक, उसको पूर्ण विश्वास हो गया, वो भक्ति में चला गया कि यस मुझे भगवान मिलेंगे, रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने छोटा सा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर क्या था, वो बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिलोक की मिलने लगे, सारे देवता सारे ऋषि मुनि जन त्राहिमा त्राहिमा की कौन है छोटा सा बच्चा और इतनी भयंकर कठिन तपस्या क्यों कर रहा। लोग पहुंचने विष्णु भगवान के पास, भगवान को बताया कि भाई एक छोटा सा बालक है, वो जो तपस्या कर रहा है क्यों कर रहा है महाराज, उसे मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरी गोद में बैठना चाहता है। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी जाइए, विष्णु भगवान को कहते हैं भगवान आप जाएं उस बच्चे छोटे से बालक को दर्शन दीजिए। तो विष्णु भगवान कहते नहीं, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, मैं उसका दर्शन लेने चाहूंगा कि छोटे से बच्चे के अंदर अगर अपार असीमित भक्ति है तो प्रभु उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो जरा कल्पना करिए कि कितनी बड़ी बात है। और फिर विष्णु भगवान वरुण पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं और ध्रुव को दर्शन देते हैं। तो उस आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमकता हुआ आप सभी को दिखाई देता। कहने का मतलब दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमने उनको भक्ति नहीं सिखाया तो भक्ति की शक्ति उनको नहीं पता चलेगी। और आज जो हम न्यूज पेपर में पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास एक आलम्बन नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वासम फलदायकम, अगर ईश्वर का साथ जिसको मिल जाए उसे जीवन में किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती है और ऐसे व्यक्ति हमेशा ऐसे बच्चे सफल होते ही चले जाते हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के अंदर भक्ति जरूर डालेंगे, पूजा आराधना ईश्वर की शक्ति का एहसास कराएं कि जो सूरज चमक रहा है, ये जो पृथ्वी हवा में उड़ रही है, ये जो अग्नि देव है, वायु देव है, प्रत्यक्ष देवताओं के बारे में आप लोग जरूर अपने बच्चों को बताएं। और भक्ति में जीवन दोस्तों अगर आप जिएंगे तो निश्चित तौर पर सारे कलेश आपके समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अगर भगवान में भरोसा है तो परसेंट में भरोसा नहीं, 10% इसमें इस भगवान में, 20% उस भगवान में, 50% दुर्गा माता में, 90% हनुमान जी में, ऐसा नहीं। भक्ति भक्ति होती है, विश्वास विश्वास होता है। एक बार विश्वास है तो पूर्ण विश्वास से अपने आप को भगवान के हवाले कर दो कि प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ, मेरी बुरी चीजें भी तेरी, मेरी अच्छी चीजें भी तेरी, सब समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। तेरी क्या प्रभु, प्रभु पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो आपको जरूर दोस्तों आपके जीवन को स्मूथ करेंगे, सरल करेंगे, प्रसन्नता से भरेंगे। तो ध्रुव से ये सीख मिल रहा है कि कब अपने बच्चों को
अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छी भक्ति जरूर सिखाएंगे उनको। माला फेरना क्या होता है, तिलक लगाना क्या होता है, उनको जयराम जी की बोलना क्या होता है, लोगों को प्रणाम करना क्या होता है, ये सारी सीखाओगे बच्चे जरूर देंगे। तो दोस्तों बात समझ में आई हो, कहानी अच्छी लगी, एक लाइक के बटन आप जरूर दबा दें, और इसी तरीके का ज्ञान, इसी तरीके की कहानियां, इसी तरीके का अध्यात्म और योग से जुड़ी संपूर्ण बातें अगर आपको चाहिए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और हमारी और आपकी इसी तरीके से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राधे।